हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे। आज स्पेशली मैंने वीडियो बनाने की ये सोची है कि बहुत से जो नए कलर एप्लीकेशन करने वाले मेरे दोस्त हैं और बहुत से मेरे पेंटर भाई हैं। तो बहुत से पेंटर भाई क्या करते हैं, वॉल पुट्टी रॉयल पे कौन सा रोलर यूज करना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा आपको मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। जिन भाइयों को इन्फॉर्मेशन है कि रॉयल प्ले वॉल पुट्टी पे जो लग्जरी कलर पे कौन सा कलर यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं, तो उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। जिनके ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था, ये जो रोलर देख रहे हैं ये हमारे लग्जरी कलर के ऊपर चलता है, जो रॉयल कलर होता है वॉल पुट्टी के ऊपर, ये प्राइमर लगाने में और कलर लगाने में। और ये आपको एशियन कंपनी का मिल जाता है 200 रुपये के आसपास, और ये भी 170-180 के आसपास मिल जाता है, 160 से जैसा लिया वैसा कंपनी का। तो ये एक्सटीरियर रोलर है और ये इंटीरियर रोलर है। तो बहुत से हमारे दोस्त एक्सटीरियर रोलर इंटीरियर में भी यूज कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी कलर के अंदर के लिए जो वॉल पुट्टी के ऊपर फिनिशिंग होती है लग्जरी कलर की, वो इस रोलर से कम आती है। इसे स्पॉट स्पॉट धब्बे छूट जाते हैं और इससे स्पॉट छूटते नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे इसके जो एयर होते हैं तो इससे कम कलर लगता है और इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ये कलर कम छोड़ता है पेंटर भाइयों, ये थोड़ा सा कलर कम छोड़ने की वजह से ये आपका दीवार पे ज़्यादा कलर की फिनिशिंग जो है उसकी सफाई, काफ़ी सफाई बाज कलर इससे होता है। और ये क्या करता है, ज़्यादा कलर छोड़ने की वजह से जो कलर की फिनिशिंग होती है वो कलर की फिनिशिंग लग्जरी कलर और वॉल पुट्टी के ऊपर इससे नहीं आती है। कभी आप अंदर के लिए वॉल पुट्टी यूज कर रहे नहीं है और लग्जरी कलर भी नहीं यूज कर रहे हैं, जैसे आप एक अल्टिमा यूज करेंगे ट्रैक्टर इमल्शन से लेके कोई एक्सटीरियर कलर मैं रिकमेंडेड करूँगा। इंटीरियर के लिए यूज करना काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे, ज़्यादा दिन तक भी लाइफ देंगे आपको। जो बाहर के कलर होते हैं वो अंदर यूज करने के बाद वो ज़्यादा दिन तक लाइफ देते हैं और उसका फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं ज़्यादा करके अल्टिमा इंटीरियर के लिए भी यूज करता हूँ, सिर्फ वॉल पुट्टी के ऊपर नहीं यूज करता। वॉल पुट्टी के ऊपर मैं रॉयल शाइन, रॉयल स्पायरा और वाटर लस्टर ये यूज करता हूँ। तो ये कलर आपको इससे बाहर का कलर जो प्राइमर कलर है वो आप इससे यूज कर सकते हैं, अल्टीमा भी यूज कर सकते हैं, मगर इससे वॉल पुट्टी के ऊपर जो आप कलर यूज करेंगे तो यही रोलर लगेगा आपको, छोटा सा बालों वाला। इसके काफ़ी छोटे धागे होते हैं, तो ये छोटे धागे होने की वजह से कम कलर लेता है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छा देता है। तो ये आपको यूज करना चाहिए दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है लग्जरी कलर के लिए। और ये आपका एक्सटीरियर कलर के लिए इसको अंदर भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ इस लग्जरी कलर के ऊपर आपको इसको यूज नहीं करना है। और इससे आप एक्सटीरियर कलर मार सकते हैं, इंटीरियर कलर में एक्सटीरियर कलर आप अंदर ले रहे हैं आप एक अल्टिमा, तो उसके लिए भी बेटर है। सिर्फ ये लग्जरी कलर जो होता है, लग्जरी कलर महंगा होता है 400-500 रुपये लीटर से आगे, तो उसके लिए ये रोलर आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।